दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नॉलेज टू यू और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। थैंक यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज टू यू। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज सिखाने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे जटिल सवाल जो दिखने में तो बहुत ही खतरनाक लगते हैं लेकिन बनाने में उतना आसान। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा इसमें जो जानकर आप केवल 5 सेकंड से भी कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए सीखते हैं अंडर रूट वाले सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे ही। दोस्तों आपके सामने सवाल दिख रहा होगा हमारे चैनल YouTube नॉलेज टू यू में। इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। जैसे कि आपके सामने जो सवाल दिख रहा है ये सवाल रेलवे में पूछे ही जाते हैं। रेलवे SSC बैंक POI BPS कोई भी परीक्षा एग्जाम हो इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं। एक या दो सवाल इस टाइप का फिक्स रहता। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ रेलवे के विद्यार्थियों के लिए, रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा में जो परीक्षा देते हैं वो लोग इस सवाल को देखते के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है बनाना कैसे है। तो इसको बनाना जितना दिखने में ये खतरनाक लग रहा है उतना ही इस सवाल को बनाना आसान है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसको देखिए, इसका क्वेश्चन 6 प्लस अंडर रूट जो कि इन्फिनिटिव तक गया हुआ। इन्फिनिटिव तक गया हुआ। लेकिन हम देखेंगे पहले कि संख्या, एक संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या। तो ये जो 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये सिक्स जो बार बार रिपीट हो रहा है इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसका लगातार दो क्रमागत जो है गुणनखंड लिख देंगे। तो क्या आ गया, 3 into 2 हो गया। तो बस हमको करना क्या है कि इसमें देखना है कि इसमें क्या प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो जो इस क्रमागत संख्या में जो जैसे 3 into 2 है, जो बड़ा है जैसे ये 3 बड़ा, तो 3 हमारा आंसर हो गया। अब बताइए दोस्तों कि इस सवाल को बनाने में हमें कितना समय लगा, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा हुआ। फिर से एक बार समझा देते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट गया हुआ है। बस इसमें से हम क्या करेंगे, जो संख्या गया हुआ उसको लेना, उसको लगातार आने वाले दो क्रमागत गुणनखंड कर देना, यानी फैक्टर कर देना। फैक्टर करने पर जो हमारी बड़ी संख्या होगी, अगर प्लस लिखा हुआ है जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस रहता तो हमारी जो छोटी संख्या वो आंसर हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ प्लस है, आपको माइनस वाला भी एक हिसाब करके बताएंगे। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा सवाल है अंडर रूट ट्वेंटी माइनस जो कि देखिए इन्फिनिटिव तक गया हुआ। जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में हम बताए तो उसमें प्लस था। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये 20 जो है नंबर बार बार गया हुआ है, 20 नंबर जो है बार बार गया हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस में गया हुआ है। लेकिन हम उतना इसको देख के डरेंगे नहीं, बस ले लेंगे ये 20, ये बीस ले लेंगे, 20 का फैक्टर कर देंगे, यानी लगातार आने वाले फैक्टर। जैसे एक ही संख्या का डिफरेंस, एक ही संख्या का डिफरेंस, इसका फैक्टर क्या है, 4 into 5। तो लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या माइनस होते हैं इसमें से छोटी वाले क्या, इसमें 4 है, तो आंसर मेरा 4 हो गया। याद रखना, जैसे उस सवाल में हम बताए थे 6 था तो 3 into 6 होता था, तो वो भी लगातार था, बीच का एक ही डिफरेंस रहना चाहिए इस टाइप का हिसाब में। ये नहीं कि जैसे 20 है तो आप 10 into 20 कर दीजिए, तो बीच में देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है। तो याद रखना, लगातार दो संख्या जो लगातार आते हैं, जैसे 4 के बाद 5, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से। जैसे यहाँ 20 आया तो 4 into 5 की, अगर माइनस है तो छोटा संख्या आंसर हो गया, वही प्लस रहता तो बड़ा आंसर हो जाता। चलिए देखिए 3 नंबर का सवाल क्या, अंडर रूट फाइव इन जो कि इन्फिनिटिव तक गया, एक ही संख्या बार बार रिपीट किया गया, ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है। आप देख सकते हैं कि ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है, जो कि बार बार गया। अगर कुछ नहीं है तो इसमें क्या है, इनटू है। इनटू जो है हमारा इनविजिबल होता है, याद रखिएगा, इनटू हमारा इनविजिबल होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है
वही इसका आंसर हो गया। याद रखिए वही इसका आंसर हो गया, लेकिन ये याद रखना है कि लास्ट में इन्फिनिटिव हो और संख्या बार बार रिपीट हो, समझे। बस देखिए दोस्तों इसको बनाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा और आंसर हम इसका निकाल लिए। चलिए इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो देखिए इस और इस सवाल में अंतर क्या है, इस और इस सवाल में अंतर है क्या, इसका जो है 3 नंबर के सवाल में इसका इन्फिनिटिव तक गया हुआ और इस सवाल में इन्फिनिटिव तक नहीं गया हुआ। इन्फिनिटिव तक गया हुआ तो जो मेरा जितना जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है वो आंसर हो जाता है, जो अंडर रूट में रहता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखिए जो मेरा जो संख्या का दिया हुआ है 5, वो तो 5 हम लिखेंगे लेकिन गिन लेंगे कि कितना बार अंडर रूट है, कितना बार, 1, 2, 3, 4, 4 बार है। तो इसको क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर 4 दे देंगे, 2 के ऊपर पावर 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 के ऊपर अगर हम पावर 4 देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये जो 16 आ गया, ये जो 16 आया, ध्यान याद रखिएगा, 16 जो आया 16 को क्या करेंगे, 16 से 1 माइनस कर देंगे, 16 से 1 माइनस कर देंगे कितना आया, 15 आया। और जो संख्या जो 16 बचा उसके हम यहाँ लिख देंगे 16, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ में आया, कुछ नहीं करना है, जितना पावर जितना अंडर रूट है उतना को उस 2 के ऊपर पावर रखना है, पावर रख के उसको निकालना, उससे घटा देना है, जो घटा के निकलेगा वो उसके ऊपर ऊपर उसके बाद नीचे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान, जो कि हम आपको इस सवाल का एक और एग्जांपल बता देते, तो दोस्तों बता रहे हैं हम आपको इस सवाल का एक और जवाब, 3 3 3 3। तो देखिए इसमें भी लगातार 3 देखिए संख्या बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन इसमें इन्फिनिटिव से अंत नहीं है। तो क्या करेंगे, जो हमारा पहले वैल्यू है वो वैल्यू लिख देंगे और ये कितना रूट है, 1, 2, 3, 4, तो 2 को फिर से 4 बार करेंगे तो वही 16 आएगा, हमारा 16 आएगा तो 15 एक घटा देंगे तो 15 आएगा, फिर जो 16 आया उसको लिख देंगे 16 आंसर। वही अगर हमको और एक 3 रहता और उसके ऊपर और एक रहता तो 5 हो जाता, 5 होता उसको भी इसी तरह से 3 लिखते तो कितना होता, 2 के ऊपर पावर कितना हो जाता, 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाता तो क्या होता, 32 हो जाता तो 32 से घटा देंगे तो हो जाएगा 31, आज जो हमारा निकला 32, बस वही आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि हिसाब कैसे बना, तो बस इसी तो आज का बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे।